हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी सैमसंग गैलरी में फाइंड कर पाएंगे आपकी जितनी भी वीडियोस हैं आपके मोबाइल में, कैसे आप उसको फाइंड कर पाएंगे एक ही जगह पे और बहुत ही इजीली। नहीं तो होता क्या, आप सैमसंग गैलरी में जाएंगे तो आपको एक, जैसे मान लो आपने कोई कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो कैमरे में जाएंगे उसी में आपको इमेज भी मिलेगी और उसी में वीडियो मिलेगी, और कोई फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर वीडियो अलग है और इमेजेस अलग है। और अगर आपको इकट्ठे देखना है कि आपके मोबाइल में कितनी वीडियोज हैं तो आप कैसे देख पाएंगे, कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप उसको देख पाएंगे और कैसे उसको फोल्डर वाइज भी आप देख पाएंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कैसे आप फाइंड कर पाएंगे आपके मोबाइल में कितनी भी वीडियोस हैं और वो भी फोल्डर वाइज और कहां पर आप उसको इजीली देख पाएंगे। मैं आपको पहले ले जाता हूं यहां गैलरी पे। गैलरी में ले जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको फोटोज वीडियोस सब आपको इकट्ठी दिख रही होगी। बट अगर आपको देखना है कि यार आपके मोबाइल में कितनी वीडियोज हैं और कौन कौन से फोल्डर में, आपको एक बोलेंगे यार एक ट्रिक तो है जिससे दिख जाता है, आप यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये तो यार मुझे भी पता है, हर वीडियोस दिख जाती है इसमें, सारी वीडियोस दिख जाती है, बट आप यहाँ पर फोल्डर वाइज नहीं देख सकते, यहाँ पर आपको पूरी इकट्ठी होके ही मिलेगी। मैं आपको ऐसे सिंपल से वो बताने वाला हूँ टिप जिससे पूरी फोल्डर वाइज आप देख पाएंगे कैमरे में कितनी वीडियोज है और दूसरे फोल्डर में कितनी वीडियोज है, मतलब अलग अलग आप उसको कॉलोबेट करके देख पाएंगे अपनी वीडियोज को, ताकि आप इजिली फाइंड कर सके कि मुझे पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो मुझे इस फोल्डर में जाना होगा और इस फोल्डर में मेरी वाली वीडियो मिल जाएगी, तो बहुत इजीली देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको जाना है यहां पर अपने मोबाइल की गैलेक्सी स्टोर में और एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि प्री इंस्टॉल होता है, हो सकता है आपके पास ना हो तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सैमसंग वीडियो लाइब्रेरी करके। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा होगा, सारी वीडियोस पूरी कोलाज होकर इकट्ठी मिल रही है और यहां पर आप फोल्डर वाइज करेंगे तो एक एक वीडियो में आपको फोल्डर वाइज दिख जाएगी, कैमरा DSM एक्सपोर्टेड, मतलब एक एक फोल्डर वाइज आपको मिल रहेगी। जिसकी भी वीडियो देखना है आपको, जैसे काइन मास्टर पे देखना है तो उस पर पूरी वीडियो मिल जाएगी, एक्सपोर्टेड में देखना है वो मिल जाएगी, DSM में देखना है वो मिल जाएगी। ऐसे ही आप अलग अलग वीडियोज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। और अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो को प्ले करेंगे तो मैं आपको प्ले करके ही बताता हूँ, अगर आप कोई वीडियो को यहाँ पर प्ले करेंगे आप यहां पर डायरेक्टली वीडियो का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, सिंपली आप यहां पर वीडियो का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपको बड़ा करना हो तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, आप बड़ा करके भी यहां पर आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं बहुत ही इजीली आप इसके थ्रू यहां पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर है सैमसंग वीडियो लाइब्रेरी, आप इसमें बहुत अच्छे देख सकते हैं। और अगर आपको इसको छोटी स्क्रीन पर देखना है ताकि पाइप मोड पर देखना है, आप अपना दूसरा काम भी करते रहे और साथ में अपनी वीडियोज को भी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही काम की वाली ऐप है। आप यहाँ देखेंगे इसमें बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स आपको मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर फीचर्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत काम काम के यहाँ पर फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है, जो कि मैंने आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पर मुझे लगते हैं। और यहाँ पर एक चीज़, अगर आप यहाँ पर वीडियोस देखते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ये वीडियो को प्ले करा और यहाँ पर इसको इनलार्ज कर लिया, इनलार्ज करने के बाद आप यहाँ पर वीडियोस को जूम कर सकते हैं अच्छे मैक्सिमम लेवल तक, आप देखेंगे मैक्सिमम लेवल तक आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं। नीचे करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर यूं कर दिया, नीचे करेंगे तो यहाँ ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, यहाँ ब्राइटनेस अप कर लेंगे, ऐसे यहाँ पर वॉल्यूम डाउन, इधर वॉल्यूम अप आप कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसको यहाँ पर कॉलआउट करके आप देख सकते हैं। तो बहुत ही काम का ये वाला फीचर लगता है दोस्तों मुझे, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता था या नहीं पता था, हो सकता है कि आप लोग बोले यार ये क्या वीडियो बनाई है कुछ भी नहीं है, बट मुझे लगा यार बहुत काम का है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, मुझे कोई वीडियो फाइंड करना हो पर्टिकुलर फोल्डर की तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे लगा यार मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आपको वीडियो बना के बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कोई भी आपकी गैलरी की वीडियो आप जैसे यहाँ पर आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे वो यहीं की ही प्ले होता है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली वीडियो भी बाय डिफॉल्ट आपकी सैमसंग वीडियो लाइब्रेरी में प्ले हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ बैक आना है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स में, यहाँ सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर 13 बार क्लिक करके आपको गैलरी लैब को इनेबल कर लेना है। गैलरी लैब को इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे गैलरी लैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फिल्म स्ट्रिप इन व्यू और आपको इसको बंद कर देना है, उसके बाद गैलरी ऐप को यहाँ से बंद कर देना है। गैलरी ऐप को बंद करने के बाद दोबारा आप गैलरी ऐप खोलेंगे, दोबारा गैलरी ऐप खोलने के बाद आपको करना क्या है, उस वीडियो पर जाना है जिसको आपको प्ले करना है, लाइक मुझे वीडियो प्ले करना है। अब मैं यहाँ पर प्ले वीडियो पे क्लिक करूंगा तो आप बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे वो सैमसंग लाइब्रेरी पे खुल गया। इसका एक फीचर और भी है, अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आपकी इसका साउंड आपको सुने और फालतू की चीज ना सुने, तो आप यहाँ जाइए थ्री डॉट्स पे और यहाँ पर कर दीजिए बैकग्राउंड प्ले,
बैकग्राउंड प्ले पे आप इसको ऑन कर दीजिए और आप यहाँ से पैक हो जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियो चल रही होगी और आप यहाँ पर आराम से सुन सकते हैं जो भी आपका काम का है। आप ऊपर नीचे देखेंगे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है। आप सिंपली यहाँ जाके उसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरे को लगा बहुत काम का फीचर था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार, ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों।